मैं शशिकांत यादव, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल। अगली वीडियो में मैंने सुकरात नामक पार्ट का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट। आज आप लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। कर्सर पर सभी लोग ध्यान देंगे। कह रहे बट ऑल्दो मैनी पीपुल लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। कहता है लेकिन यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से, बूढ़े आदमी से प्रेम करते थे एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम और उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे, बुद्धिमानी ज्ञान की प्रशंसा करते थे। दियर वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो उसको पसंद नहीं करते थे। ही टॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स। वह सिखाता था कि आदमी को, यानी आदमी का निजी मस्तिष्क, यानी उसका स्वयं का मस्तिष्क, उसके आचरण पर देवी देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। दिस सीम्ड टू सम पीपुल ए न्यू एंड विग्ड आइडिया। यह विचार, यह बातें कुछ लोगों को नई और दुष्टतापूर्ण दिखाई दी, यानी प्रतीत हुई। ही सेड दैट दियर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेन एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। वह कहता था कि एथेन, यानी एथेंस की देवी, और ग्रीस के दूसरे देवताओं को बलि चढ़ाने से अच्छा, यानी बलि देने से भी अच्छा और योग्य कार्य हैं। एंड मैनी पीपुल थाट दैट ही वॉज लीडिंग द यंगस्टर। और बहुत से लोग सोचते थे कि वह नौजवानों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, यानी रास्ते से बहका रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव। वह उन चीज़ों पर, उन बातों पर क्वेश्चन करता था, प्रश्न करता था जिन पर उनको विश्वास करना सिखाया गया था। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स। और उन लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि वह लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में संदेह भर रहा है। द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समन्ड सुक्रैट्स टू अपीयर बिफोर देम टू स्टैंड हिज ट्रायल। कहते हैं कि द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, जो लोग एथेंस पर राज्य कर रहे थे सुकरात को, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, यानी सफाई के लिए, अदालत के सामने पेश होने के लिए कहे, आदेश दिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू स्केप आर टू हाइड अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। उसके मित्र उससे आग्रह किए कि जब तक यह तूफान समाप्त नहीं हो जाता, आप कहीं बचकर निकल जाइए या कहीं छिप जाइए। बट सुकरात वाज नो कावर्ड। लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। वह जानता था कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। एंड ही हैड मनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल। और वह वही सिखा रहा है, यानी वही बातें बता रहा है जिसको वह, यानी जिस चीज पर वह विश्वास करता था कि वह क्या है, न्यायपूर्ण है, सत्य है और सम्मानजनक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। और इसलिए वो दरबार गया, यानी कोर्ट गया। हिज क्लास एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेंट। उसके जूते और उसके कपड़े धूल से भरे हुए और गंदे थे। बट एवरी वन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सैवी गारमेंट्स। लेकिन सभी लोग जानते थे कि उस कटे फटे, यानी पुराने
फटे कपड़ों के अंदर एक अच्छा हृदय, श्रेष्ठ हृदय क्या करता है? धड़कता है। नीचे देखेंगे कि ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण भाषण दिया, गौरवपूर्ण यानी प्रभावपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस के लोगों से कहा दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ। उसने एथेंस के लोगों से कहा कि उसके जीवन के शेष वर्षों जज ने सुना, क्वेश्चनड हिम, उसे प्रश्न किया एंड कंडेम टू हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु दंड दे दिया। ओल्ड मेड नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज, झुका रहा, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, प्लेटो एंड हिज अदर पुपिल्स वेयर दियर इन द कोर्ट ऑल टाइम। भीड़ से भरे हुए बाहर को देखा, यानी कोर्ट रूम को देखा, प्लेटो और उसके दूसरे शिष्य कोर्ट में यानी बाहर में पूरे समय मौजूद थे। एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, वह उनसे कहा कि अच्छे आदमी के साथ कोई भी जाना होगा। द हावर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, जाना हो अपने मार्ग पर जाना हो। द सोल्डर्स केम, सब आई फॉलोड विथ हिज थ्री चिल्ड्रन, उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई, अपने तीनों बच्चों के साथ पीछे पीछे गई, यानी सुकरात का अनुसरण करते हुए अपने तीनों बच्चों के साथ पीछे पीछे। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वेयर आल्सो विद हिम, उसके साथ उसके बहुत सारे यानी बहुत से प्रिय शिष्य भी उसके साथ गए, अनेक शिष्य। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक टू हिम, लंबे समय तक वे उनसे बात किए। एंड ही टॉक दे मैनी वाइल और वह यानी शुक्रा उनको बहुत सारे यानी अनेक अच्छी बातों को पढ़ाया, बुद्धिमत्तापूर्ण पाठ को पढ़ाया। विच दे प्रिजर्व इन देयर हार्ट, जिसको वे अपने हृदय में संचित किए। बट ऑल
द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड डाई सून, लेकिन सभी लोग यानी उसके सभी शिष्य जानते थे कि सुकरात बहुत जल्दी ही मर जाएगा। दे वेयर सैड, वे दुखी थे। आर अस एज प्लेटो रोल, आर अस एज प्लेटो, जैसा कि the sun has set behind the tree top. वृक्षों के चोटियों के यानी जो वृक्ष की ऊपरी चोटी होती है, वृक्ष की जो लास्ट ऊंचाई होती है, उसी को बता रहा है कि वृक्षों के चोटियों के पीछे सूरज को छुपने के बाद सूर्य वृक्ष के आड़ में हो गया। द जेलर के जेलर अंदर आया एंड आस्क्ड सुकरात टू रिपेयर फायर, और वह सुकरात को मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए कहा। इन एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपल वेल कंडेम टू डाई, जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, दे वेयर गिवेन ए कप ऑफ पॉइजन, उनको वे क्या करते थे, एक कप जहर का प्याला देते थे, यानी एक कप जहर देते थे। फिर बोलता है सुकरात न्यू दिस, सुकरात यह जानता था। एंड ही नॉडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सडनली सेइंग, और वह जेलर से हामी भरा यानी अपने जेलर से हामी भरा। हु लुक्ड एट हिम सैडली से, जो यानी सुकरात को यानी कहा, यू सुकरात, तुम सुकरात हो, यहाँ जितने लोग यानी जो इस स्थान पे जितने भी लोग आए यानी जो लोग भी आए, उनमें तुम सबसे योग्य सज्जन और सबसे अच्छे, विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मेरे ऊपर गुस्सा मत आना होना यानी मुझसे गुस्सा मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, जब मैं तुम्हें जहर पीने के लिए कहूँ तो तुम मुझसे गुस्सा मत होना। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कार, कहता कि इसकी वजह यानी इस गलती का कारण मैं नहीं हूँ बल्कि दूसरे लोग हैं। ब्रेस्टिंग इन टू टीयर्स ही वेंट आउट, जोर जोर से रोते हुए वह बाहर चला गया। एंड रिटर्न विथ ए कप ऑफ पॉइजन, और एक प्याला जहर के साथ वह अंदर वापस आया। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्राम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सुकरात कहता है, सेड सुकरात, सुकरात ने कहा कि देवता यानी भगवान क्या करो, मेरी इस संसार से दूसरे संसार की यात्रा को क्या करो, सफल बनाओ। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स,
और कप को यानी प्याले को उठाकर अपने ओठ से लगा लिया। हिज पुपिल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्य अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे। बट वन सॉब अलाउड, लेकिन उनमें से एक यानी उसका एक शिष्य जोर से रोना शुरू कर दिया। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और इससे दूसरे व्यक्ति भी क्या किए, रोना शुरू कर दिए, यानी ये आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई। एंड सून द रूम वाज फील्ड विथ द साउंड टू वीपिंग, और जल्दी ही पूरे कमरे में रोने की आवाज़ फैल गई, यानी पूरा कमरा रोने से भर गया, यानी सभी लोग रोना शुरू कर दिए, रोने लगे। नीचे देखेंगे, सुकरात पास्ड, सुकरात रुक गया। विथ द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, सुकरात अधूरे प्यालों को, यानी वो पूरे जहर को पिया नहीं था। सुकरात अधूरे प्याले को लेकर, मतलब जहर से भरे हुए अधूरे, जहर के अधूरे प्याले को लेकर कहाँ लेकर, अपने हाथ में लेकर। सुकरात जहर के अधूरे प्याले को अपने हाथ में लेकर रुक गया। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ही आस्क्ड, वह पूछा, यह कैसी अनोखी आवाज़ है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, कि एक व्यक्ति को, एक आदमी को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करके, कुछ याद किया। क्राइटो, ही विस्पर्ड, वह बुदबुदाया। टू वन ऑफ हिज पुपिल्स, वह अपने एक शिष्य क्राइटो से कुछ कहा, यानी धीरे से कहा, यानी बुदबुदाया। कैन यू डू मी ए फेवर, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मुझ पर एक कृपा कर सकते हो, यानी तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो। आई ओ ए कॉक टू पियस, द डेप्ट, कहता है कि मुझे एस्कुल्पियस नामक देवता को एक मुर्गा देना, यानी मुर्गा चढ़ाना है, भेंट करना है। विल यू पे द डेप्ट, क्या तुम ऋण को चुका दोगे। इट शैल बी पेड, सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा हाँ इसे चुका दिया जाएगा, इसे अवश्य ही चुका दिया जाएगा। इज दियर एनीथिंग इल्स, क्राइटो कहता है कि इसके अलावा और कुछ भी है, और कुछ कहना है आपको। ही वेटेड, वह इंतजार करता रहा। बट दियर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फार सुकरात, सुकरात की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वाज डेड, ग्रीक का, एथेंस का, यानी यूनान का सबसे महान व्यक्ति क्या कर चुका था, सुकरात मर चुका। ये लेसन आपका समाप्त हो गया, अब अगले वीडियो में अगला लेसन तैयार होगा। धन्यवाद।